एक जैसे शर्ट पहनेंगे। हाँ दोनों के दे दे मम्मी के पास दे इसको लो। चले यहाँ लो चाय। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं सपना के घर में शादी चल रहा है और सपना अभी शादी में बिजी है। ऐसे में बहुत से लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या फ़ायदा उठा रहे हैं। सपना के घर में शादी है, सपना गांव गई है जैसा कि आप जानते हैं, गांव जा गई है तो उसका जो सपना का ध्यान है अभी कुछ टाइम के लिए इधर से हट चुका है। तो वही जो कुछ लोग हैं अभी पुरानी बातों को लेके फिर से रायता फैला रहे हैं। जो दोस्तों अभी उनकी इज्जत पे लग चुकी है कि सपना ने राजवीर के केस का जांच क्यों नहीं करवाया है। जो दोस्तों चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए सपना का फिर से यूज़ करा जा रहा है कि सपना ने तो वादा किया था कि हम राजवीर के कातिलों को पुलिस सलाखों के पीछे पहुँचाएंगे, तो सपना कैसी पत्नी है कि सपना ने राजवीर के कातिलों को छोड़ दिया, क्या सपना ने माफ़ कर दिया या फिर क्या परिवार ने झूठ कहा था कि सपना को सब कुछ मालूम था कि राजवीर का एक्सीडेंट कार से नहीं हुआ था। क्योंकि बतौर वो ये भी कह रही हैं कि गाड़ी 120 की स्पीड में थी और सपना ने जो राजवीर का बॉडी दिखाया था उससे ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि राजवीर चौधरी का एक्सीडेंट हुआ था। तो वो ये कहना चाहती है कि उनकी सपना से बात हुई थी और सपना ने ये कहा था कि हमें सब कुछ पता है कि राजवीर के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, बस हम